हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनुराधा राष्ट्रयागी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु गाइड, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे नंबर 9 की। नंबर 9 कौन सी डेट्स वाले होते हैं, इनकी क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या वीकनेसेस होती हैं, और हम इनको क्या एडवाइस दे सकते हैं कि जिससे इनका सक्सेस रेट बढ़ जाए। नंबर 9 जो किसी भी मंथ की 9th, 18th या 27th को बॉर्न होते हैं, वो सभी 9 नंबर से रूल करते हैं। रूलिंग प्लैनेट मार्स है, 9 नंबर का रूलिंग प्लैनेट मार्स है। बड़े अमेजिंग लोग होते हैं ये, आइडियलिस्टिक होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम को फील करते हैं। इनमें मिस्टिक एबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि इंट्यूटिव पावर इनकी स्ट्रांग होती है। बॉर्न फाइटर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 9 नंबर वाले। बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन वाले होते हैं और दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइज़र भी बहुत अच्छे होते हैं, एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं, लोग इनके पास एडवाइस के लिए आते भी हैं, बिल्कुल आपको सही सलाह देंगे ये। इनके पास इंटेलिजेंट एंड ब्राइट आइडियाज होते हैं, सोसाइटी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं ये, दूसरों की केयर बड़े डीपली करते हैं, दिल से करते हैं, और इनको मालूम होता है कि कहाँ पर हमने लाइन बनानी है, लिमिट्स के बाहर नहीं जाना है। बहुत अच्छे लीडर होते हैं ये, इनको ऑर्डर देना अच्छा लगता है, ऑर्डर लेना अच्छा नहीं लगता है। ये कंट्री के लिए बहुत कुछ करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर 9 नंबर वालों का आप देखिएगा, ये आपको पुलिस में, मिलिट्री में, एनजीओ में, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में दिखाई देंगे, क्योंकि इनको देश सेवा करना अच्छा लगता है, वो इनके दिल से होता है। टेक्नीशियंस भी होते हैं, जुडिशरी में भी होते हैं ये लोग, और डॉक्टर्स भी होते हैं 9 नंबर का। और एक इनकी सबसे अच्छी खासियत क्या होती है, ये दूसरों में से ना अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, इनको बुराइयाँ दिखाई नहीं देती हैं। अब थोड़ा सा इनकी वीकनेसेस बता देती हूँ मैं, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ये, और इनको जो है ना कोई भी बात छुपानी नहीं आती है, ये सबको अपनी सारी बातें बता देते हैं, सीक्रेट इनके लिए कुछ भी नहीं है, रखते ही नहीं है। और मेरी एडवाइस ये है कि इनको थोड़ा सा सीक्रेटिव होना चाहिए, और जो चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं है उनको लेट गो कर देना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, कई बार उन चीज़ों में उलझे रहते हैं जिससे इन्हें स्ट्रेस होता है, तो चीज़ों को लेट गो करना चाहिए इनको, और बहुत इजीली हर्ट हो जाते हैं ये। इनके लिए एडवाइस है, एंगर से दूर रहें। इनको मार्स है ना इनका प्लैनेट, तो इनको एकदम से गुस्सा आता है, फायर का है वो, तो एकदम से गुस्सा आता है, तो वो थोड़ा सा इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। और एकदम से बोल देते हैं किसी भी काम को कि हो जाएगा, एक पॉज लो और उसके बाद बोलो कि हो जाएगा, नहीं तो ये लोग टेंशन ले लेते हैं। और 9 नंबर वालों के लिए एक एडवाइस और है मेरे पास, जितना आप सोसाइटी के लिए करेंगे उससे डबल और ट्रिपल आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो किसी भी मंथ की 9th को बॉर्न हुए हैं। ये लोग बाहर से बहुत सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल कोकोनट की तरह, कि ऊपर से सख्त दिखाई देंगे लेकिन अंदर से जो है इनका जो हार्ट है वो बिल्कुल मलाई की तरह होगा। और आप बाहरी दिखावे पर बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, जो भी बात आप करते हैं वो दिल से करते हैं। आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपका डंका बजता है,
आप क्योंकि जो भी काम करते हैं बिल्कुल दिल से करते हैं, आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते हैं, इसलिए कभी कभी आप रिवेंजफुल हो जाते हैं और जो आपके लिए अच्छा नहीं है। चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। अब हम बात करते हैं नंबर 18, जो किसी भी मंथ की 18th को बॉर्न हुए हैं, 1 और 8 नंबर से मिलकर बना है। 1 सन का हो गया, 8 सैटर्न का हो गया। सन एंड सैटर्न में आपसी थोड़ी सी खटपट रहती है और वो इनकी डेट में भी दिखाई देती है। ऐसे लोगों के मन में भी कुछ उथल पुथल सी चलती रहती है, क्योंकि इन लोगों की सन और सैटर्न की आपस में बनती नहीं है। आपका 90% टाइम एक जंग में लगा रहता है, जो वो जंग आपके अंदर ही चल रही है, लेकिन किससे चल रही है, क्यों चल रही है, उसको आप भी नहीं समझ पाते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स से या अपने पार्टनर से या अपने किसी फ्रेंड से, क्लोज फ्रेंड है कोई आपका, तो उसके साथ चीज़ों को शेयर करें, नहीं तो आप अपने अंदर ही उलझे रहते हैं कि हिम्मत की ना दुनिया कायल है, आप चुटकियों में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। आफ्टर 40 आपकी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस आते हैं, वो आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है और वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है। आपको धन दौलत नाम शोहरत सब कुछ मिलता है, बट आफ्टर 40 आपकी पर्सनल लाइफ में लैक ऑफ पीस है, क्योंकि आपके अंदर माइंड और हार्ट में ना कुछ कश्मकश चलती रहती है, आप डिसाइड नहीं कर पाते। आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है हार्ट और माइंड को अलग अलग करना, और जब आप दोनों से गवर्न करते हैं तो ये खिचड़ी सी पक जाती है आपके अंदर, और आप उसी उलझन में उलझे रहते हैं और वही प्रॉब्लम को लेकर आप घर में आते हैं। आपके लिए एडवाइस है, मेडिटेशन करें और अपनी कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी है वो अपने पार्टनर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और एनिमल्स को कुछ भी खिला दें, आप डॉग्स को भी खिला सकते हैं, आप बर्ड्स को खिला सकते हैं, किसी को भी कुछ भी, थोड़ा सा कहीं भी बाहर जाते हैं थोड़ा सा कुछ पॉकेट में रख के ले जाएं और खिला दें। एनिमल फीड आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वेल्थ के लिए और आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी सक्सेस के लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। एनिमल फीड जरूर करें आप लोग। अब हम बात करते हैं 27 नंबर वालों की, जो किसी भी मंथ की 27 को बॉर्न हुए हैं। 27 मून एंड केतु, मून प्लैनेट, ये दोनों भी अपोजिट एनर्जीज हैं, लेकिन दोनों ही बहुत शांत हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। आप उन दोनों नंबर से ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और बहुत हेल्पफुल हैं आप। आप आगे बढ़ बढ़ कर काम करते हैं और आप ज़्यादा पीसफुली काम करते हैं। आपके अंदर भी कश्मकश है लेकिन थोड़ा सा कम है, 18 नंबर से थोड़ा सा कम है। टॉलरेंस पावर आपके अंदर थोड़ा है, आप दूसरे के पहलू को भी समझते, मैच्योरिटी एंड विजडम दोनों आपके अंदर है। आपका 7 नंबर आपको विजडम देता है और वाइज बनाता है, आपके अंदर नॉलेज भी बहुत है। ग्रेट कॉम्बिनेशन है 2 और 7 का, 7 नॉलेज एंड 2 कंपैशन। आप सेल्फलेसली काम करते हैं, थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद आपको मटेरियलिस्टिक वेल्थ भी मिलती है, आपको सक्सेस भी मिलती है अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। आपके लिए एडवाइस है, मंडे को शिव परिवार वाले मंदिर में जाएं और भगवान शिव परिवार की आराधना करें, मून मेडिटेशन करें और मून वाटर को भी पिए। और एक छोटी सी एडवाइस आपके लिए और है कि सेल्फ लव करें,
आप दूसरों के लिए टाइम निकालते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में भी सोचें। हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं अब इनके। 9 नंबर वालों में ज़्यादातर 95% to 98% देखा जाता है कि 9 नंबर वालों की सर्जरी होती ही है। ये मार्स से रूल करते हैं, मंगल से रूल करते हैं, तो इनमें ब्लड का जो इस सर्कुलेशन है ना, वो बहुत फास्ट होता है। इनको बीपी का भी प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा, तो उसके लिए इनको मेडिटेशन करना एडवाइजेबल है। ब्लड रिलेटेड या स्किन वाली प्रॉब्लम्स भी इनको हो जाती हैं। डाइट इनके लिए फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, लाइट फूड एडवाइजेबल है, और इनको नॉन वेज या लिकर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मंगल को हनुमान जी से भी जोड़ा जाता है। इनके लकी कलर्स वाइट, येलो, लाइट ग्रीन, पिंक, कोई भी कलर पहन सकते हैं। ब्लैक कलर तो मैं सभी को बोलती हूँ कि अवॉइड करें। आप रेड कलर भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपको गुस्सा आता है तो आप रेड कलर को अवॉइड करें। लकी डेट्स 1, 3 and 5, लेकिन आपके कोई भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं तो वो आप 1 या 5 में करें। एडवाइस आपके लिए यही है कि लिकर एंड नॉन वेज अवॉइड करें, और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नंबर 5 के साथ। नंबर 5 और 6 अभी मेरे रह गए हैं, वो मैंने कहा था कि मैं लास्ट में करूँगी, तो अब 1 to 9 की सीरीज में सिर्फ 5 and 6 नंबर ही रह गए हैं, उनको अब करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।